हेलो दोस्तों आप सभी से बात करेंगे यहाँ पर ट्राइडन के बारे में इस कंपनी में यहाँ पर काफ़ी बड़े और धमाकेदार दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे जो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर ट्राइडन शेयर जिनके पास भी अवेलेबल है देखिए आपके पास चार रहने दो या चार लाख आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना कि इसकी यहाँ पर अभी एक्चुअली परफॉर्मेंस की क्या ग्रोथ है और कंपनी में हमें क्या करना चाहिए कंपनी की सिचुएशन भी देखेंगे और इससे यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो सकती है क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि निवेशक का सर ये अभी थर्टी एट रुपीज़ पर मिल रहा है तो हम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी खरीद सकते हैं और मुझे यहाँ पर बताइए कि इसमें मैं लंबे समय का दाव और अच्छी खासी क्वांटिटी बोल दो मैं हज़ार चार हज़ार यहाँ पर ख़रीद कर रख लो क्या तो मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा पता भी चलेगा करना क्या है कंपनी में पैसा कैसे बनेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेना और वीडियो अच्छा लगे एफर्ट पसंद आए तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना हम यहाँ पर ए लिस्ट के बारे में बात करेंगे ये कंपनी कौन से स्टेज में चल रही है अभी यहाँ पर ये यह और क्या स्टेज में जा सकती है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आज देखेंगे तो ट्राइडन में काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है और करीब साढ़े तीन परसेंट की तेज़ी भी इस स्टॉक ने कंटिन्यू की अच्छी एक बात है इस कंपनी में कि ये कंपनी कम ज़रूर करती है मार्केट में यहाँ पर तेजी रहे या ना रहे बट कंपनी को यहाँ पर लगे तो अपने यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं कंपनी के अंदर या कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तब ये कंपनी रिटर्न ज़रूर जनरेट कर देती है और इस कंपनी में बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें भी आपके बेनिफिशियल में है बोल तो आपके फायदे की है और कुछ नुकसान वाली भी नज़र आती है तो वो भी देख लेते हैं तो चार्ट पैटर्न टारगेट वगैरह मैं आगे बाद में बात करूँगा बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए अभी ट्राइडन कंपनी का शेयर जो एशियम लिस्ट के बारे में क्वेश्चन था ना उसके बारे में बताना चाहूँगा ये स्टॉक अभी एशियम लिस्ट के फर्स्ट स्टेज में है देखिए और फर्स्ट स्टेज ये यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेज है इससे चांसेस ऐसे है ये कंपनी तीसरे स्टेज तक भी जाकर आई है तो इसको यहाँ पर देखिए एक बात नज़र आती है कि अभी इसको स्टेज वन से भी बाहर निकलने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पर ऐसा हुआ तो बहुत ही गुड न्यूज़ है और मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर ये माल बेच बहुत से जो इसमें ऑपरेटर रहेंगे या बड़े यहाँ पर जो भी दाव लगाकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर गैम्बलिंग करते हैं ऐसे लोग भी निकलने की कोशिश करेंगे और वो निकलते भी होंगे अभी यहाँ पर देखिए ए लिस्ट में रखने का वही तो फ़ायदा है कि वहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं किसकी ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है कौन माल उठा रहा है कौन बेच रहा है पूरा यहाँ पर नंबर पैन कार्ड वो सब कुछ हिस्ट्री रहती है उनके पास और उनको पता चलता है और वही दोस्तों ऑपरेटर वगैरह के बारे में पूरा डिटेल आइडेंटिफाई हो जाते हैं इसलिए ए लिस्ट में रख कंपनी को चेक किया जाता है और अभी मुझे लगता है कि ये थर्ड में से सेकंड में भी आ गई और यहाँ पर अभी तो फिलहाल फर्स्ट में है और आगे जाकर इसे भी कम होकर नॉर्मल बोल तो ए लिस्ट से बाहर निकलने चांसेस ज़्यादा है ट्राइडन के तो आप यहाँ पर नज़र रखिए और इसमें फ़ायदे देखिए क्या है ये कंपनी आपको एफ डी से बोलते तो छः से कभी भी रिटर्न अच्छा देगी डिविडेंड का पे आउट करेगी एंट्री पॉइंट भी अच्छा है खाली निगेटिव पॉइंट यही है कि ये रेड फ्लैग के अंडर है और इसमें निवेश करने की राय आपको सभी देंगे इसके पीछे के रीज़न अभी आप लिसन करना एक खुद कंपनी के प्रमोटर ने लगातार इसमें खरीदारी कर कर अपना सेवेंटी थ्री परसेंट स्टेक कर दिया दूसरी बात इसके पास बिजनेस के क्लाइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत पावरफुल है साथ ही इसके पास पांच बिजनेसेस है पांच बिजनेस से कमाई आती है ट्राइडन को तो इसलिए इसका डाइवर्ट बिजनेस है और कमाई अच्छी तरीके से जनरेट कर देती है और तीसरी बात इस कंपनी में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इसका बिजनेस है उसमें काफ़ी ग्रोथ के चांसेस आने वाले समय में है तो कंपनी बहुत कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें यहाँ पर बेचकर कर पैसा कमाती इसलिए इसमें निवेश करना सबसे अच्छा ही रहेगा आप यहाँ पर कितने भी क्वांटिटी खरीदना बट लंबे समय के लिए खरीदना मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा लंबा समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और यही बात होती देखिए कि लंबे समय में जो निवेश करते हैं उनके जो पैसे बनते हैं वैसे पैसे किसी के नहीं बनते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसके बिजनेस क्लाइंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा देखिए मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी जो यहाँ पर पेपर वगैरह है उसके अंदर इनके कस्टमर अशोक लेलैंड ले है एच बैंक है हीरो मोटर्स है हिंदुस्तान लेर है आप बोलेंगे इनके यहाँ पर टेस्टनरी से रिलेशन क्या तो इनके जो पूरे ऑफिसेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड के कंपनीज़ है उनके बारे में आप देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा ये सभी इनके क्लाइंट है ट्राइडन के और भी यहाँ पर आपको ट्राइडेंट के जो क्लाइंट वगैरह है उसकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो और देख सकते हैं ये मॉल से जुड़े हुए मॉल के जो चैन होते हैं उनके साथ भी यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस करने वाले के साथ भी ट्राइडन कंपनी का जो बिज़नेस सेक्टर है वो भी मैं आपके आगे रख देता हूँ ये जो जॉग्राफिक एरिया कौन सा है तो ये यह कंपनी यहाँ पर इंडिया में भी बेचती है यूरोपीय में भी यहाँ पर एक्सपांड करती है अपना बिजनेस और साथ ही यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये यह भी दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर देखिए डाइवर्ट बिजनेस का जो फ़ायदा है वो ये ज़िंदगी भर उठाने वाली है और यहाँ पर आप भी देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा कंपनी यहाँ का बिजनेस करती है ये पूरे इसके इमेजेस है और ये इंडस्ट्री के बारे में आप खुद देख भी सकते जाकर आपको यहाँ पर कभी विजिट मारना हो तो इनकी वेबसाइट पर आप चेक करना आपको सीखने को समझने को और कंपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मिल जाएगी और एक बात बताना चाहूँगा इसके टारगेट वगैरह के बारे में ये अभी थोड़ा करेक्ट होगा तीस तक आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि तीस के प्राइस पर पैंतीस रुपये के प्राइस पर ख़रीदना बहुत सही रहेगा और अभी भी आप थोड़ा सौ दो सौ हज़ार जो भी लगे थोड़ा यहाँ पर माल उठा सकते हैं इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए लंबे समय के लिए और लंबे समय में कंपनी फ्यूचर आपका ब्राइट ही रखेगी और वेल्थ क्रिएशन भी कर कर देगी थैंक यू सो मच